हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त के काना और आप देख रहे हैं काना इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए लाया है। अब देख सकते हैं सामने से इसका डिस्प्ले पर इमरा लुमिनस का EB VX 875 VA का है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका सामने से ये नज़ारा है, और बोर्ड को आप ध्यान से देखें, ये मेरा बोर्ड है। इसमें दोस्तों इसमें मेरा एक्चुअली मॉसफेट सारे फटे हुए हैं। आप सामने से देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें जितने सारे मेरे मॉसफेट हैं ये फटे हुए हैं। मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा कि ये मेरा शॉर्ट है क्या नहीं, मतलब इसका मॉसफेट दोनों चैनल का फट गया है, ख़राब हो गया है। तो आज हम आपको पूरी प्रोसेस से बताएंगे कि खास करके इस बोर्ड में हम मॉसफेट कैसे चेंज करेंगे, इस माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर कितने से मेरा कितना वोल्ट आउट होता है, जो इस दोनों चैनल पर पल्स जाता है वो कौन सा माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर से पल्स निकलता है, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो या फिर नहीं आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फोन तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँचता रहे। और जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिन में जो हम क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि माइक्रोटेक के ऊपर रहेगा, ओनली फॉर माइक्रोटेक के ऊपर, और उस क्लास में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना एड्रेस और अपना नाम सेंड कर दें। आपको वहाँ पर माइक्रोटेक के ऊपर जितने सारे बोर्ड हैं, सारे बोर्ड के ऊपर आपको डायग्राम मिलेगा, सारे फॉल्ट के ऊपर आपको डायग्राम मिलेगा। मतलब आप डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा फॉल्ट कहाँ से आउट होता है, कहाँ से मेरा फॉल्ट बनता है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो मेरे सारे वीडियो में आप देख सकते, जाकर 5-6 वीडियो में अपना क्लास के विषय में चर्चा किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको माइक्रोटेक के ऊपर जितने सारे फॉल्ट है, सारे फॉल्ट को आपको क्लास में क्लियर कराया जाएगा। और दोस्तों फीस के बारे में आपको ग्रुप में ही बात किया जाएगा, और जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस नंबर पर केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है। अगर आपको काम सीखना है तो कॉल इसमें नहीं करना है दोस्तों, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। तो चलिए दोस्तों इस किट को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने मेरा इस आईसी के कंट्रोल माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर से कितने आउट होता है इस दोनों चैनल के लिए पल्स, वो सारी चीज़ को हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस बोर्ड को हमने उल्टा कर लिया है, और चलिए हम आपको मॉसफेट को चेक करा देते हैं कि यहाँ पर मेरा मॉसफेट शॉर्ट है क्या नहीं। चलिए दोस्तों इस साइड का चैनल का मॉसफेट हम चेक करते हैं सबसे पहले। आप मीटर पर ध्यान से सुनने का प्रयास करें, वहाँ पर मेरा शॉर्ट बता रहा है। आप सामने से देख सकते हैं ये मेरा मॉसफेट, तीनों पिन मेरा आपस में शॉर्ट है। अब ध्यान से सुनें, यहाँ पर ये मेरा मॉसफेट ख़राब है। अब दूसरे को मैं चेक कर लेता हूँ, अब देख सकते हैं ये भी मेरा यहाँ पर ख़राब ही है, पूरी तरह से यहाँ पे ख़राब है। अब दूसरे साइड का मॉसफेट हम चेक कर लेते हैं, अब देख सकते हैं ये भी मेरा मॉसफेट पूरी तरह से भ्रष्ट है, पूरी तरह से ख़राब है, इसमें भी कंटिन्यूटी आ रहा है। दोस्तों इसमें चारों मॉसफेट भ्रष्ट हो गया, ख़राब हो गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मॉसफेट निकालते हैं और फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड में जो मेरा मॉसफेट लगे हुए थे वो चारों का चारों शॉर्ट था दोनों चैनल का। अब जैसे हमने यहाँ पर निकाल के रख लिया इसको, एक निकालते ही निकालते उसका टांग टूट गया, वो भ्रष्ट हो गया तो पूरी तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मॉसफेट का नंबर, ये जो मॉसफेट लगा हुआ है दोस्तों इसमें एक K80 लगा हुआ है, तो K80 की जगह पर हम 7545 डालेंगे, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है मार्केट में। तो हम ज़्यादातर 7545 ही मॉसफेट यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस माइक्रो कंट्रोल के ऊपर जो मेरा पल्स आउट करता है ये दोनों चैनल के लिए, ये दोनों चैनल के लिए हमको पल्स कौन इस आईसी के कौन सा पिन से आउट होता है, ये चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा दो चैनल है, तो मेरा इस आईसी से दो पल्स आउट होगा, जो कि पिन नंबर 12 और 14 से आउट होगा। दोस्तों इस बोर्ड में माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 12 और 14 से दो पल्स आउट होता है, जो कि 1.5 वोल्ट करके आउट होता है, और वही वोल्ट आउट होकर इस चैनल में आता है और ड्राइव बनता है। तो मेरा आप देख सकते हैं पिन नंबर 12 ये हो गया दोस्तों, और 13 14 ये हो गया। तो चलिए उल्टा करते हैं किट को और समझते हैं पीछे के साइड से। तो दोस्तों आप सामने से देख सकते हैं पिन नंबर जो मेरा 14 ये है। तो चलिए देख लेते हैं इस पिन को ट्रैक करके कहाँ पर गया है मेरा।
तो दोस्तों आप सामने से देख सकते हैं इधर से होते हुए मेरा पेंट आया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर से होते हुए सीधा मेरा यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा जंपर मारा गया एक ठो, उस साइड से मेरा यहाँ से यहाँ जंपर मारा गया है, और यहाँ से मेरा जो वोल्ट आउट होता है वो सीधा आप सामने से देख सकते हैं इधर से होते हुए इस रेजिस्टेंस के माध्यम से, अब जैसे यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से आउटपुट होकर इस रेजिस्टेंस के माध्यम से इधर होते हुए आया है, और इधर यहाँ पर ट्रांजिस्टर और जीनर लगाया गया है, और सारे मॉस्फेट के गेट पर एक एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जिसका वैल्यू 15 ओम है दोस्तों। सारे मॉस्फेट के गेट पर लगाया गया जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम का है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मॉस्फेट के गेट पर लगाया गया यहाँ पर जिसका नंबर 15R0 है SMD में, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 15 ओम दिखाएगा इसका, ये 15 ओम का यहाँ पर लगाया गया है, सारे मॉस्फेट के गेट पर 15 ओम का लगाया गया है, यहाँ पर मेरा मॉस्फेट नहीं लगाया गया था, यहाँ दो ही मॉस्फेट लगाया गया था इसीलिए यहाँ पर कोई कॉम्पोनेंट यूज नहीं किया गया है। चलिए एक और पल्स आउट होता है जो कि पिन नंबर 12 से होता है उसको देख लेते हैं, अब देखते हैं पिन नंबर 12 ये है मेरा, इधर से होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जंपर मारा गया यहाँ तक, और यहाँ से होते हुए यहाँ आया है, और यहाँ से फिर एक जंपर मारा गया है जो कि यहाँ पर आउट हुआ वोल्ट, और सामने देख सकते हैं यहाँ से होते हुए इस रजिस्टर के आउटपुट यहाँ पर मिलता है, और इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से मेरा इधर वोल्ट आता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना है फाइनली दोस्तों, अगर आपके मॉस्फेट फटे हुए हैं तो आपको क्या क्या चेक करना है मॉस्फेट डालने के पहले, तो सामने आप देख सकते हैं जितने सारे डायोड लगा हुआ है, जीनर डायोड लगा हुआ है, जीनर को चेक करना है शॉर्ट के लिए, यहाँ पर जितने सारे ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं उस सारे ट्रांजिस्टर को आपको चेक करना है शॉर्ट के लिए, और फाइनली मॉस्फेट के गेट पर जो रेजिस्टेंस लगाया गया है 15 ओम का उसको तो चेक करना ही है आपको दोनों साइड से। तो यहाँ पर हमने फाइनली सारे कंपोनेंट को चेक कर लिया है दोनों चैनल पर, सारे के सारे कंपोनेंट यहाँ पर मेरे सही हैं, तो आप यहाँ पर हम आँख मूंद के मॉस्फेट डालेंगे और ड्राइव मिल जाना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों चलिए इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 14 और 12 से जो मेरा पल्स आउट होता है 12 वोल्ट कनेक्ट करके हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मेरा पल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों इसमें 12 वोल्ट कनेक्ट कर लिए हैं, अब पिन नंबर 14 और 12 पर पल्स चेक कर लेते हैं जो मेरा पल्स आउट होता है 150 वोल्ट के करीब, ये चीज़ हमको मिल रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पर 150 वोल्ट मिलेगा तो मेरा माइक्रो सही है, नहीं तो अगर यहाँ पर 150 वोल्ट आउट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में मेरा माइक्रो खराब रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, चलिए स्विच को ऑन करते हैं और फिर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं पिन नंबर 14 पर मेरा 150 वोल्ट के करीब आ रहा है, और 12 पर भी मेरा 150 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा कि इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 12 और 14 पर मेरा पल्स आउट हो रहा है, तो फाइनली यहाँ पर मेरा माइक्रो कंट्रोलर जो है सो पूरी तरह से ओके है। चलिए आप मॉस्फेट डालते हैं और फिर पल्स चेक करते हैं, ड्राइव चेक करते हैं, और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास 75-45 से मॉस्फेट अवेलेबल है, चारों के चारों हमने 75-45 ही इसमें डालेंगे। चलिए डालते हैं और फिर आपको पल्स वगैरह सारा चीज़ चेक करके दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हमने न्यू मॉस्फेट लगा दिया दोनों चैनल पर, और दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करें, हम इतने सफाई के साथ यहाँ काम किए हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम मॉस्फेट चेंज किए ही नहीं है। तो मैं आपको सारे वीडियो में सजेस्ट करता हूँ, सारे वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी काम करें आप फ्रेश के साथ काम करें, काम करने के बाद आप थिनर या पेट्रोल के माध्यम से सफाई जरूर कर दें, इससे होगा कि आगे चल के वो उसका लाइफ देगा दोस्तों, मतलब जो आप रिपेयर किए हैं उसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो आप जब भी काम करें आप उसमें सफाई का जरूर ध्यान रखें। चलिए इसमें 12 वोल्ट इन करते हैं और ड्राइव वोल्ट वगैरह सब चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिए हैं, और मीटर का एक प्रोब ग्राउंड करते हैं हम, उसके बाद स्विच को ऑन करके हम इसका ड्राइव चेक करते हैं। अब सामने से देख सकते हैं इसका आवाज, ये इसका UPS ऑन हो गया है। अब चलिए इसका ड्राइव चेक करते हैं हम, देख अब सामने देखने का प्रयास करें मीटर पर, यहाँ पर 4 वोल्ट के करीब बन रहा है, यहाँ पर सारे मॉस्फेट पर आपको सेम वोल्ट बनने चाहिए, आपको हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, जितने सारे हैं सारे मॉस्फेट सेम वोल्ट बनना चाहिए तभी आपका मॉस्फेट सेफ रहेगा, नहीं तो ड्रेन का तार लगाते ही आपका मॉस्फेट बस्ट हो जाएगा। अब चलिए दूसरे सारे हम चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इधर से भी मेरा सेम वोल्ट है, मतलब चारों मॉस्फेट पर मेरा सेम वोल्ट बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा भी अंतर नहीं है वोल्ट में, तो इससे हमको साफ पता चल रहा है कि जो मेरा रिपेयर हुआ मॉस्फेट प्रॉब्लम वो पूरी तरह से 100% मेरा रिपेयर हो गया है, अब इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने न्यू मॉस्फेट डालने के बाद भी आपका ड्राइव नहीं आ रहा है, पल्स नहीं आ रहा है, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे तो पहले आपको ड्राइव
सबसे तो पहले आपको यहाँ माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर 14 और 12 पर चेक कर लेना वोल्ट। अगर यहाँ पर हमको 1.5 वोल्ट मिल रहे हैं तो आगे की कंपोनेंट चेक करना है, जैसा कि हम आपको प्रिंट को ट्रैक करके दिखाएं। यहाँ पर सारे जीनर को चेक करना है, सारे ट्रांजिस्टर को चेक करना है शॉर्ट के लिए, और फाइनली मॉस्फेट के गेट पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 15 ओम का, वो रेजिस्टेंस भी चेक करना है। सारे मॉस्फेट के गेट पर 15 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, उसको चेक करना अति आवश्यक होता है मॉस्फेट चेंज करने के पहले। तो दोस्तों आपने देखा कि इस माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 12 और 14 से मेरा पल्स आउट होता है और दोनों चैनल के लिए मेरा पल्स जाता है, उसके बीच में कौन सा कंपोनेंट खराब होगा जिसके कारण मेरा यहाँ पर पल्स नहीं आएगा, ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको फुल फिटिंग करते हैं और फिर चार्जिंग वगैरह सब चेक करते हैं, आउटपुट वगैरह सब चेक करते हैं मेरा सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड को हमने पूरी तरह से सेट कर लिया है और 12 वोल्ट से भी कनेक्ट कर लिए हैं और मीटर को आउटपुट चेक करने के लिए हम यहाँ पर लगा लिए हैं। चलिए स्विच को ऑन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। और दोस्तों आप सामने से देख सकते हैं इसका स्विच को हमने ऑन कर लिया है, यहाँ पर UPS ऑन आ गया है। और चलिए दोस्तों पीछे के साइड से देखते हैं मेरा आउटपुट कर रहा है कि नहीं। आसान से यहाँ पर देखने का प्रयास करें, 290 वोल्ट के करीब यहाँ आउट कर रहा है। लोड देने पर ये एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट कुछ ज्यादा दिखा रहा है बट चलेगा, यहाँ लोड जैसे ही देंगे यहाँ पर एडजस्ट में आ जाएगा मेरा आउटपुट। तो फाइनली यहाँ पर मॉस्फेट चेंज करने से मेरा आउटपुट तो सुधर गया। अब चलिए इसमें देखते हैं लाइन 220 वोल्ट इन करके मेरा चार्जिंग वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं। और आप देख सकते हैं इसमें मेंस आ गया है और कुछ देर के बाद यहाँ पर चार्जिंग भी बताएगा हमको, मेरा बैटरी फुल चार्ज है इसलिए यहाँ पर फुल इंडिकेट कर देगा कुछ देर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैटरी यहाँ पर चार्जिंग स्मार्ट चार्जिंग आ गया है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर मेंस आ गया है और चार्जिंग भी ठीक है, आप सामने से देख सकते हैं ब्लिंकिंग करने लग गया क्योंकि मेरा बैटरी फुल चार्ज है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कराना चाहूँगा आपको, माइक्रोटेक में जब मेरा लाइट ब्लिंकिंग करता है तो चार्जिंग करता है, लेकिन लुमिनस में जब आपका लाइट ब्लिंकिंग करेगा उस टाइम आपका बैटरी फुल चार्ज रहेगा, तो इसमें उल्टा होता है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोस्तों आपने देखा कि इसमें हमको कौन सी प्रोसेस से मॉस्फेट चेंज करना चाहिए और मॉस्फेट चेंज करने के बाद भी आपको ड्राइव नहीं मिल रहा है तो कौन सा कंपोनेंट चेक करना चाहिए और चेंज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो पर एक नए फॉल्ट पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।